गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 मई 2020 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की करंट, और करंट के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी बहुत मजबूत करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही लाभ सिद्ध होगी। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में किस जानवर में जूनोटिक वायरस पाए गए हैं? मेरे प्यारे मित्रों, जूनोटिक वायरस क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब कोई वायरस किसी भी जीव से मानव में आता है उसे हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। किसमें पाया गया है? फ्लाइंग फॉक्स में पाया गया है। कौन सा वायरस है ये? लीजा वायरस था। पहले पाया गया था हेड्रा वायरस, जो घोड़े से किसमें आया था? मानव में आया था। आया है ऑस्ट्रेलिया, तो हम कुछ रोचक ऑस्ट्रेलिया से सीख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनवरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, महाद्वीप किसमें पड़ता है? ओशिनिया। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया आया है तो आप देखिए, इसमें इधर कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्यूसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ये है विक्टोरिया, ये है तस्मानिया। इस तस्मानिया और विक्टोरिया के मध्य है कौन सा? ये बॉस स्ट्रेट है। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें देखें आप, इसे कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्यूसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, इधर है बॉस स्ट्रेट और यहाँ पपुआ न्यू गिनिया और इस ऑस्ट्रेलिया के मध्य है टोरस स्ट्रेट, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये ओराफोरा सी है, यहाँ पर तिमोर सी है, तिमोर सागर है तो तिमोर सी, इधर इंडियन ओशियन है, इधर है तस्मानिया, इधर तो तस्मानिया सी, ये पैसिफिक सी, इधर है ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी कोरल वाली द्वीप है। न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है? तो यहाँ पर कुक स्टेट है बीच में, वो अलग करती है न्यूजीलैंड को दो भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आध्यात्मिक व्यक्ति 11वें पंचेन लामा समाचार में थे, ये किस धर्म से जुड़े हैं? मेरे प्यारे मित्रों, मैं बता दूं आपको, क्या पंचेन लामा, दलाई लामा, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैं, किस से जुड़े हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। क्या होते हैं पंचेन लामा, दलाई लामा? दलाई लामा और पंचेन लामा दो पद हैं। दलाई लामा एक जैसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ा पद है, उससे छोटा पद कौन सा है? पंचेन लामा है। जो अभी तिब्बत के दलाई लामा हैं उनका नाम है तेंजिन ग्यात्स। जब कोई दलाई लामा पद है तो उनका नाम होगा, क्या नाम है? तेंजिन ग्यात्स नाम है। कहाँ पर? अभी तिब्बती वाले जो दलाई लामा हैं ये भारत में हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रह रहे हैं। इनसे नीचे वाला पद कौन सा है? पंचेन लामा। ये पंचेन लामा है तो इनका भी नाम होगा, बिल्कुल होगा भाई। कौन सा नाम है इन पंचेन लामा का? गडून चौक्या नीमिया नाम है। नाम टिपिकल है, मेरा पेन चलता नहीं है, आप नोट कर लेना। क्या नाम है इनका पंचेन लामा का? गडून चौक्या नीमिया। आप कहेंगे सर जी ये बताओ, ये समाचार में बात क्या हुई? मैंने कहा बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे कम उम्र में बनाए गए राजनीतिक बंदी हैं। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया के सबसे कम उम्र में बनाए गए राजनीतिक बंदी हैं। मेरे प्यारे मित्रों, राजनीतिक बंदी हैं, कब इन्हें जेल में पकड़ लिया गया? मैंने कही जब ये 6 साल के थे ना, तब 6 साल के, जब 1995 में थे ये, 6 साल के 1995 में थे, तब से ये चाइना की जेल में बंद हैं। अभी ये खबरों में थे पंचेन लामा। कैसे पंचेन लामा सर? आप कहेंगे सर पंचेन लामा बन कैसे जाते हैं? 6 साल के पंचेन लामा हो गए ये, कौन सा इन्होंने कीर्तिमान हासिल कर लिया जो 6 साल में ये पंचेन लामा का पद हासिल कर लिया इन्होंने? मैं आपको बताता हूँ सरल भाषा में कैसे क्या होता है इसमें। जो तिब्बत है ना, तिब्बत के लोगों का अलग बौद्धिज्म है और चाइना के लोगों का अलग बौद्धिज्म है। जैसा कि गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना है, गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने दो भागों में जो बौद्ध धर्म था बटा हुआ था, एक थे हीनयान, दूसरे थे महायान। जब हीनयान और महायान थे मेरे प्यारे साथियों, हीनयान वो लोग थे जो बौद्ध मानते थे, वही चीज मानते थे, और महायान वो लोग थे जो कुछ मॉडिफाई थे, कुछ चीज़ें अलग मानते थे, वो कौन थे? महायान थे।
तो सर चीन क्या मानता है? चीन मानता है हीनयान, और तिब्बत के लोग मानते हैं महायान। महायान से ही एक शाखा निकली थी वज्रयान। वज्रयान में महान महायान भी थे, और तांत्रिक विद्याओं का भी विश्लेषण किया जाता था। बात ऐसी थी, जो तिब्बत के लोग थे वो महायान पर विश्वास करते थे, कुछ मॉडिफाई थे। बात ये हुई कि ये पुनर्जन्म पर विश्वास मानते थे। गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? कि बिल्कुल, ये जो पंचे लामा है ना, ये जो दलाई लामा है, इनकी बात ऐसी है कि यह पहले से अपनी तांत्रिक विद्या से पता कर लेते हैं कि ये जो आत्मा है, जो ऐसे जो 11वें दलाई लामा पंचे लामा है, तो 10वें भी पंचे लामा हुए होंगे, कि ये 10वें में पंचे लामा हैं वो किस आत्मा में आएंगे? मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बात समझ में आई है तो बताएं, ये जो 10वें पंचे लामा हैं, यही पंचे लामा कौन से हैं? 11वें पंचे लामा हैं। अच्छा सर, ऐसा काम कर लेते हैं? मैंने कि बिल्कुल, ये अपनी तांत्रिक विद्या से ये कहते हैं कि जब कोई मनुष्य खत्म होने के बाद जिसकी आत्मा आराम से डोलती रहती है, और उन आत्माओं को अपनी तांत्रिक विद्या से जिस भी नवजात शिशु में लाना चाहते हैं, उस नवजात शिशु में आ जाती हैं। कुछ रोचक जानकारी आपको मिली? जो 10वें पंचे लामा थे, उनकी आत्माओं को 11वें पंचे लामा में लाया गया था, तो चीन ने विरोध किया था कि हम अपना पंचे लामा यहाँ स्थापित करेंगे। कहाँ पर? तिब्बत में। इसी वजह से 6 साल पर ही इन पंचे लामा को कब्जे में रखा था। मेरी बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे साथियों। यह थी कहानी इसकी, क्या है पंचे लामा, क्या है दलाई लामा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया था? मनाया गया था 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम को बढ़ावा देने के लिए। 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल काउंसिल म्यूजियम। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फंग फंग के द्वारा। क्या है ये? वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, मतलब इसमें बताया गया है वुहान की सिटी के बारे में, ये कोरोना वायरस के बारे में। चीन के सब कारनामे इस किताब में, जल्द ही बाजार में। हाल ही में चक्रवात एम्फान किस स्थान पर विकसित हुआ है? बहुत ही प्यारा है, मैं कुछ रोचक जानकारी आपको बताऊंगा। कहाँ पर विकसित हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ है। सर चक्रवात होते क्या है? चक्रवात आते क्या है? मैंने कहा जब हवा चक्कर काटने लगती है उसे चक्रवात कहते हैं। आप कहेंगे सर ये जो हमारे गांव में जो दिखते हैं चक्रवात से वो चक्रवात? मैंने नहीं, जब तेज हवाएं बहुत सारी चक्कर काटने लगती हैं तब उसे चक्रवात का नाम दिया जाता है। कहाँ पर आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। क्या नाम है इसका? नाम अम्फान किसने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। इसका नाम अम्फान किसने दिया है? थाईलैंड ने। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते कैसे हैं? मेरे प्यारे मित्रों, आप देखें ध्यान से, जैसे ये मैंने एक ग्लोब बनाया, इसमें इक्वेटर 0 डिग्री, इसमें ऊपर कितना है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नॉर्थ में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, वो सॉरी मकर रेखा, साउथ में। बिल्कुल, आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, यदि समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने एक चीज देखी होगी, या आपने सबने मुझे विश्वास है कि ट्रेन में यात्रा जरूर की होगी। ट्रेन में नहीं की हो तो बस में तो की होगी। जब आपने मेरे प्यारे साथियों ट्रेन में यात्रा की है, इमेज बना के माइंड में सोचना है, बहुत ही सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कंसेप्ट सारा के सारा केयर, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके जरूर समझ में आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जब ट्रेन से कोई व्यक्ति, ट्रेन किधर चल रही है? हमारी इधर चल रही है। जब ट्रेन से कोई व्यक्ति इस साइड उतरेगा तो आप अंदाजा लगाएं कि ये व्यक्ति किस साइड में जाएगा। उतरने के बाद इसी साइड में जाएगा सर, जिस साइड में रेल जा रही है। मैंने कि बिल्कुल सही पकड़े। अच्छा, आप खिड़की तो ट्रेन में दोनों साइड होती हैं? कि बिल्कुल सर होती हैं। मैंने कि जब कोई बंदा प्लेटफॉर्म उस साइड पर आ जाए तो किधर उतरेगा? कि सर वो भी इसी साइड में ही मुंह करके उतरेगा जिधर ट्रेन जा रही है। मैंने कि कंसेप्ट तो यही है, समझना है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही लॉजिक कंसेप्ट में आपको सरल भाषा में सिखा रहा हूँ। जब ये हमारी ट्रेन
यहाँ पर थी, हमें उतरना था प्लेटफॉर्म के उस साइड और प्लेटफॉर्म के इस साइड। तो हम जैसे ही इधर बढ़े, ये हमारा कौन सा है साइड, मतलब हैंड है, राइट हैंड है। जब इधर हम उतरे तो ये हमारा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है। बिल्कुल कंसेप्ट है ये 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री से नॉर्थ में कोई हवा चलती है तो वो किधर चलती है, राइट हैंड में चलती है, और जब 0 डिग्री से साउथ में चलती है तो वो लेफ्ट हैंड में चलती है। मेरे प्यारे साथियों, ये समझ में आए तो ज़रूर बताएं। जब ये चलेगी, ध्यान से समझना है कैसे चक्रवात आते हैं, जब ये इधर यों घूमी हवा चली तो बिल्कुल घूमी, सर ऐसे घूमी, मेरी बात समझना। अच्छा सर, ऊपर से हवा आई होगी तो, मैंने कहा ऊपर से जब हवा आई होगी मेरे प्यारे मित्रों, वो भी राइट हैंड में घूमी होगी। इधर देखना ध्यान से, ऊपर से आई इधर घूमी, इधर से आई ऐसे चली, इधर से ऐसे, राइट हैंड में, कहाँ, नॉर्थ में। नॉर्थ में कोई भी हवा चलेगी तो राइट हैंड ही चलेगी मेरे प्यारे साथियों। जब राइट हैंड ऐसे चक्कर काटने लगी, मेरा पेन थोड़ा चलता नहीं है, गोला सा बनाने लगी मेरे प्यारे साथियों, जब राइट हैंड में गोला बनाने लगी मेरे प्यारे मित्रों, इधर है ये राइट हैंड, पेन उल्टा चल जाता है। जब ये राइट हैंड में चलने लगी तो ध्यान से समझना है, ऐसे ऐसे चक्कर सा काटने लगी, जैसे कि कोई दुल्हन के साथ उसकी सहेली चक्कर काटने लगती हैं, ऐसे ऐसे जब चक्कर साथियों काटने लगी, जब मेरे प्यारे मित्रों कैसी चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटने लगी। बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं चक्रवात का सिखाने जा रहा हूँ। तो जब भी नॉर्थ में चक्रवात आते हैं तो उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल तो ये पूरे ही होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कौन से हैं ये, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात होते हैं। अच्छा सर, तो दक्षिण में आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज चक्रवात कहेंगे। बिल्कुल जैसा कि आप इस फोटो में देखें मेरे प्यारे मित्रों, ये कहाँ पर आया है, भारत में। तो देखना ये लपड़ी सी मारे ना, ये कैसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल, बंगाल में आया है। बंगाल तो अपना सुना सुना सा लग रहा है, नहीं बिल्कुल उड़ीसा से सीमा मिलाता है, किससे, झारखंड से, और किससे, मैंने कि बिहार से, और किससे, मैंने कि असम से भी। अच्छा सिक्किम वही नाथुला जेलीपला वाला, मैंने कहा हाँ वही। यहाँ पर सिलीगुड़ी डोरी कॉरिडोर भी है, मैंने कि बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्रों, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किस नेता के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यहाँ से भी कुछ जानकारी लेंगे। अब्दुल्ला के साथ इन्होंने साझेदारी की है। बात ऐसी है मेरे प्यारे मित्रों, अफगानिस्तान में सरकार में मतभेद चल रहा था। अशरफ गनी ने अब्दुल्ला ने इन पर बैन लगाया था कि अशरफ गनी ने ऐसे ही वोटिंग पर फूल वो से अपने ऐसे ही कब्जा कर लेते ना, ऐसे ही वोट डरवा लिए फर्जी तरीके से, और ये राष्ट्रपति बन गए। ऐसा यहाँ पर इलेक्शन कमेटी का भी कहना था कि अशरफ गनी ऐसे ही बने। फिर हुआ क्या कि ऐसे इन्होंने साझेदारी की। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको सरल भाषा में बताऊँगा क्यों साझेदारी हुई। अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ साझेदारी करके अब आराम से दोनों लोग यहाँ पर सत्ता चलाएंगे। बात ऐसी है, शुरुआत से मैं सिखाता हूँ अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान समझिए, ये है प्यारा इंडिया। इस इंडिया के मुंबई के JNPT पोर्ट से सीधा रास्ता कहाँ गया है, यहाँ अपना चाबहार पोर्ट है। कहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, ईरान में है। ईरान से ये सीधा रोड कहाँ के लिए गया है, अफगानिस्तान के लिए गया है। अफगानिस्तान के लिए, मैंने कि बिल्कुल कैसे, मैंने कहा पाकिस्तान से हमने एक बार हाईवे निकाला था तो पाकिस्तान ने भैया मना कर दिया था कि हम नहीं निकालने देंगे। कि क्यों, कि इसलिए नहीं निकालने देंगे किसी दिन आप भैया हम कोई उड़ा दें। इंडिया ने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना बाईपास भी तो निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बाईपास निकाल लिया सीधा कहाँ से, मुंबई JNPT से चाबहार पोर्ट के लिए। यहाँ से सीधे कहाँ पहुँचे, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान से कह दिया भैया बच जाओ आप, हम आपको पीछे से और आगे से भी घेरे हैं, बीच में एक तरीका से सैंडविच बना लिए पाकिस्तान की खाने के लिए। आगे से पीछे से घेर लिया किसे, पाकिस्तान को।
बात ऐसी है, यहाँ एक तालिबान संगठन है। कहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों? अफगानिस्तान में। अच्छा सर, तालिबान संगठन कहाँ से आ गया? बात तो कुछ और चल रही मैंने की। बिल्कुल, तालिबान संगठन और एक अफगानिस्तान जो अशरफ गनी की सरकार है, यहाँ पर तालिबान संगठन में जो भी इनके प्रतिनिधि होते हैं वो गिरफ्तार कर लेती है सरकार। सरकार के कौन कर लेते हैं गिरफ्तार? तालिबान। बिल्कुल, जब तालिबान कर लेते हैं तो यूएसए क्या करता है अपना, अमेरिका यहाँ पर शांति स्थापित करना चाहता है। जब शांति किसी भी देश में राजनीतिक मतभेद होते हैं तो अमेरिका कहता है, भैया सुनो मेरी बात, अब आराम से शांति स्थापित करो, झगड़ा झगड़ा मत करो। तालिबान से कहा, आप भैया टेंशन मत लो, झगड़ा झगड़ा मत करो, साझेदारी कर लो किससे? अफगानिस्तान सरकार से। और पहले कोशिश भी बहुत की थी अमेरिका ने, जब पार नहीं पड़ी, क्योंकि तालिबान जो है अपनी गुरिल्ला नीति के लिए बहुत बड़ा फेमस है। गुरिल्ला नीति सर क्या होती है? मैंने कि जो छुप करके वार करे उसे गुरिल्ला नीति कहते हैं। अच्छा, मैंने कि बिल्कुल। तो जब यहाँ सरकार ने, अमेरिका ने तालिबान से साझेदारी कर ली, बिल्कुल तालिबान शांत हो गया। तालिबान जब शांत हुआ तो अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला उठ पड़े कि अब तो भैया तालिबान शांत है, तो हम अपनी मर्जी से सरकार दोनों लोग चलाएंगे। मतलब कैसे चलाएंगे? अशरफ गनी कहते हम राष्ट्रपति हैं, और भैया अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहते हैं कि हम किसी का वो नहीं मानते, हम अपनी चीज चलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे मित्रों? बिल्कुल, जब ऐसी बात हुई तो भैया अमेरिका ने कहा कि हमने तो एक तरफ इधर शांति स्थापित करी, तब तक दूसरी तरफ झगड़ा होने लगा। जब दूसरी तरफ झगड़ा होने लगा तो अमेरिका ने कहा, भैया आप झगड़ा करते रहो, हम आपका फंड रोक देंगे। फंड मतलब 1 बिलियन डॉलर अमेरिका प्रत्येक साल अफगानिस्तान को देता है। जब ऐसी बात सुनी भैया, तो ये अशरफ गनी और ये जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला गले मिल गए। जब गले मिल गए ना, तो उन्होंने कहा हम आराम से अपनी सरकार चलाएंगे, भैया हमारा फंड मत रोको, जो 1 बिलियन डॉलर हम खर्चा किससे चलाएंगे। ये थी बात, इस वजह से ये साझेदारी हुई। आई होप मेरे प्यारे साथियों, हम इंटरनेशनल जो संबंध होते हैं, हम क्वेश्चन तो पढ़ते ही हैं जो 4-5 करंट के होते हैं, इसके साथ स्टैटिक जीके भी बहुत अच्छी करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा ये क्या है रिलेशन इनका। अच्छा सर, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया आपने देखा है? सेंट्रल एशिया में 5 राष्ट्र आते हैं। कौन से आते हैं आपको दिखा देते हैं भैया, कौन से राष्ट्र आते हैं? आते हैं इसमें जी अफगानिस्तान जो आपको दिख रहा है प्यारा, ये पाकिस्तान अपना बच्चा है। यहाँ पर क्या है? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। बिल्कुल सर, और ये ईरान लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के किस बार प्रधानमंत्री बने हैं? मेरे प्यारे साथियों, कौन सी बार बने? 5वीं बार बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। कौन से आपने देखे होंगे बेंजामिन नेतन्याहू से, तो आप पहले से ही परिचित हैं। इजराइल आया है तो इजराइल के बारे में, इजराइल इधर है, इजराइल से क्या है? अभी आपने देखा होगा जो तेल अभी भी यही दिख रहा है ना, यहाँ पर टैगोर सिटी एक घोषित किया गया है टैगोर के सम्मान में। इजराइल है, यहीं ये वेस्ट बैंक है, जॉर्डन से सीमा मिलाता है, ये सऊदी अरब है, इधर रेड सी है, इधर मेडिटेरियन सी है, लेबनान से सीमा मिलाता है, सीरिया से भी सीमा मिलाता है, जॉर्डन से भी सीमा मिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट, भारत को वेंटिलेटर दान करने वाला कौन सा देश है? दान आम तो भैया अमेरिका ही करेगा। किसने किया है? अमेरिका ने। बिल्कुल, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा क्या है? डॉलर। किस महाद्वीप में? अमेरिका। अमेरिका आया है तो अमेरिका को पढ़ लेते हैं। अमेरिका कहाँ है? इधर है, ऊपर कनाडा है, इधर यूनाइटेड स्टेट जिसे अमेरिका कहते हैं, ये कनाडा है। सर ये क्या दिख रहा है? मैंने कि ये नदी, ये झीलें हैं। अच्छा झीलें कौन सी हैं? मैंने कि देख लो आप झीलें, ये वाली हैं। कौन सी? इसे कहते हैं लेक सुपेरियर। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेक सुपेरियर झील, लेक ह्यूरॉन झील, लेक मिशिगन झील, लेक मानी झील होता है, आयरे झील और ओंटेरियो झील। कितनी झीलें हैं ये? 5 पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, आयरे झील, ओंटेरियो झील।
आया था क्वेश्चन कि मिशिगन जो झील है कहाँ पर सीमा मिलाती है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, ये जो सुपीरियर है, ह्यूरन है, ओंटेरियो है, आयरे है, ये सारी की सारी कनाडा से भी लगी हुई हैं, बट ये जो मिशिगन झील है ये यूएसए में है। आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल। प्रमुख दिवस में क्या है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है जो हमने पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब है, 21 मई को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर सब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे प्यारे मित्रों हम मिलकर के कीर्तिमान जरूर हासिल करेंगे, कुछ कमियां हैं सुधर जाएंगी और बहुत सारी दिक्कतें हैं सब सॉल्व होने के बाद हम जरूर एक अच्छा प्रयास करेंगे। प्रयास कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।